नमस्कार आदरणीय प्रधानाचार्य जी, अध्यापक गण एवं मेरे प्रिय साथियों, आज मैं वरिष्ठ जी आप सभी के समक्ष वर्ल्ड अर्थ डे के ऊपर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। अब वर्ल्ड अर्थ डे की शुरुआत कैसे हुई थी? 1969 में यूनेस्को के जॉन मकार्थी ने यह प्रस्ताव रखा था कि हम लोगों को पर्यावरण को बचाने के लिए एक डे सेलिब्रेट करना चाहिए। तो इसलिए 22 अप्रैल 1970 में इसको अमेरिका में पृथ्वी दिवस के नाम से मनाया गया। इस दिन का उद्देश्य क्या है? इस दिन का उद्देश्य यह है कि हम लोग पर्यावरण को बचा सके, अपने पेड़ पौधों सबको उगा सके और अपनी पृथ्वी को एक नया रूप दे। हम लोग इसके लिए क्या कर सकते हैं? पर्यावरण में पेड़ों को काटना बंद कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, अपनी जरूरतों को थोड़ा हटाकर उन जीव जंतुओं को भी देख सकते हैं और पानी बचा सकते हैं। जो कूड़ा कचरा है उसमें से भी तो काफी सारी चीजें निकलती हैं, हम उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको वापस इस्तेमाल कर उनको फिर से कामदायक बना सकते हैं। इस बार 2024 में हमारी थीम है प्लास्टिक वर्सेस प्लैनेट, यानी कि अब हमें प्लास्टिक को हटाना होगा। हमें पता है प्लास्टिक के कितने दुरुपयोग हैं, जैसे कि प्लास्टिक हमारे वातावरण को नुकसान पहुंचाता है। इस्तेमाल करना होगा प्लास्टिक की बॉटलों की जगह स्टील की बॉटल का इस्तेमाल करना होगा। आशा करता हूँ कि आप सभी को पसंद आए। धन्यवाद।